बारिश का मौसम है और उसमें मूंग दाल भजिया मिल जाए तो क्या बात है, बहुत जल्दी बन जाता है बिल्कुल आसान सी सामग्री के साथ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मूंग दाल भजिया बनाऊंगी, चाहे आप इसके पकौड़े भी बोल लीजिए, और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 200 ग्राम मूंग दाल लिया है और इसमें पानी डाल देना है और इसको 2 से 3 बार अच्छे से धो लेना है, क्योंकि दाल में पॉलिश होता है तो इसको अच्छे से धो लेना है। तो दाल को मैंने अच्छे से धो लिया है, अब इसे 1 से 1.5 घंटा के लिए अच्छे से इसको छोड़ देना है फूलने के लिए। तो ये 1.5 घंटा हो गया और दाल बहुत अच्छे से फूल गया है, ये देखिए। तो अब इसको फिर से एक बार अच्छे से धो लेना है। मैंने फिर से उसे धोकर एक जार में डाल दिया है, तो बिना पानी का ही इसको पीसना है हल्का दरदरा। तो देखिए इस तरीके से ही हल्का थोड़ा दरदरा ही है। इस तरीके से मैंने एक बॉल में निकाल दिया है। तो इसमें 2 हरी मिर्च, करी लीव्स 8 से 10, उसको भी मैंने बारीक कटिंग कर लिया है, हरा धनिया, और ये है 1 टीस्पून काली मिर्च। काली मिर्च को फ्रेश ही कूट के डालना है, तभी इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग आता है, क्रंची क्रंची। देखिए इस तरह से क्रश करना चाहिए, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल फाइन नहीं करना है। को डाल देना है टेस्ट के अनुसार नमक और 1/4 हल्दी पाउडर। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं। और ये सभी को मिक्स कर देना है इस तरह से, और इसे 1 से 2 मिनट इसी तरह से फेंट लेना है, ताकि थोड़ा सा एयरी हो जाए, उससे ज़्यादा नहीं फेंटना है, बस 1 ही 2 मिनट। तो मैंने 1 से 2 मिनट फेंट लिया, अब इसको फ्राई कर लेते हैं। मैंने एक कढ़ाई में तेल रखा है, उसे मीडियम आंच पे गरम कर लेना है। तो अब हाथ से ही बिल्कुल छोटा छोटा इस तरीके से आपको डाल देना है, बहुत बड़ा नहीं, छोटा छोटा इस तरीके से मैंने डाल दिया है। इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये फ्राई हो गया है। अब इसको निकाल लेना है और इसे एक टिश्यू पेपर पर रख देना है, इसका कलर भी कितना बढ़िया आया है। बन के हमारा रेडी हो गया और कितना बढ़िया लग रहा है, और इसको बनाना तो बहुत आसान है। मैंने इसके साथ मिर्ची भी फ्राई किया है, क्योंकि इसके साथ मिर्ची खाने में बहुत टेस्टी लगता है। को तोड़ के दिखाती हूँ, मैंने इसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है। अंदर से देखिए सॉफ्ट है, ऊपर से क्रिस्पी, तो इसको चटनी के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं, आप सॉस के साथ भी। तो इसको तो ट्राई करना बनता है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।